News 18, India. बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। बैरिकेड तोड़ना अन्न का सवाल नहीं। हमारा मांगों को मानना सवाल है भैया, मनवाने के मिशन पे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आप जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन यानी राकेश टिकैत के संगठन ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा नहीं संगठन है, जिसके बैनर तले सितंबर 2020 याद कीजिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अब ये ग्रामीण भारत बंद जो आज बुलाया गया, उसके पीछे राकेश टिकैत का दावा है कि ये पहले से उनके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ने उस आंदोलन के वक्त जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। भारत हम भी मानते हैं कि जय जवान और जय किसान वाला देश है। जब किसान तरक्की करेगा तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा, ये हम मानते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन खेतों में फसलों के लिए मेहनत करने वाले किसान क्या सड़कों पर अपने ही परिवार से आने वाले पुलिस कर्मियों से इस तरह भिड़ेंगे, पत्थरबाजी करेंगे? दिल्ली और पंजाब को जोड़ने वाली सड़कों के बीच जो तांडव इस वक्त हो रहा है वो तब कहां तक जायज होगा जब सरकार और किसान नेताओं के बीच सकारात्मक, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो रही है। और ये मेरे लफ्ज नहीं है, किसान नेता खुद ये कह रहे हैं कि चर्चा सकारात्मक है, फिर माहौल को नकारात्मक कौन बना रहा है? पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान या फिर सड़कों पर डटे आंदोलनकारी या फिर कोई और? एक तरफ किसान नेताओं से बीती रात एक लंबी चर्चा हुई। न्यूज 18 इंडिया हर वक्त उस मीटिंग पर अपनी नजर बनाए हुआ था। देर रात यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री परिषद के अहम सदस्य पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनकी जो टीम है चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करने के बाद एक वक्त मुकर्रर कर चुकी है कि अब अगली मुलाकात हमारी रविवार को होगी। उनकी मांग पर लंबी बातचीत हुई। तीसरी बार ये लोग वहां पर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। चर्चा के बाद मीटिंग की अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। फिर इन सबके बीच ग्रामीण भारत बंद बुलाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? ऐसे में कुछ सवाल उठाना बेहद लाजमी है। मसलन, मौजूदा आंदोलन से संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दूरी क्यों बनाई? क्या चर्चा के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री क्रेडिट वॉर के लिए है? जब सरकार हर मुद्दे पर बातचीत कर रही है, सड़कों पर इस तरीके से फिर उग्र आंदोलन क्यों हो रहे हैं? सरकार और किसान नेता बातचीत अगर कर रहे हैं तो क्या प्रदर्शन से आम जनता परेशान जो हो रही है उसके साथ न्याय हो रहा है? एमएसपी पर संयुक्त किसान मोर्चा और मौजूदा प्रदर्शनकारी किसानों के बीच समन्वय क्यों नहीं दिख रहा है? आज इस पर बहस करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे सहयोगी मानव के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मानव वहां ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात है वो हमें बताएंगे। मानव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और मुझे ये बताइए कि वहां से इस वक्त क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या हालात इस? और राकेश टिकैत साहब, किसान यूनियन के अध्यक्ष, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी इजाजत से मानव से बस एक 20 सेकंड का मैं रिएक्शन लेना चाहती हूं, वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और फिर आपकी इजाजत से आपके पास आऊंगी। मानव, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल रूबिका, तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और कल रात को जब बैठक हुई थी उसके बाद कल पूरा दिन और आज का दिन लगभग हमने देखा कि पूरी तरीके से शांति शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी कल जो बैठक हुई है बहुत सकारात्मक तरीके से हुई है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर मना नहीं कर रही, लेकिन आश्वासन मंत्रियों की
की तरफ से बैठक में दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जमीन पर कैसे एक प्लान सरकार बनाकर उतरेगी। दूसरी तरफ आज भारत बंद का ऐलान था, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से भी समर्थन मांगा गया था किसान, और इसके साथ ही आपका जो किसान मजदूर मंच है उनसे भी समर्थन मांगा गया था, लेकिन आज इस जिस बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सिर्फ संबोधन हुए हैं, और संबोधन के आसपास हमने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या पुलिस या किसानों के बीच कोई तकरार हमने यहाँ पर नहीं देखी। इसके अलावा जब मैंने आपके जो पंडेर साहब है सरपंच सिंह पंडेर साहब है उनसे किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में ये बहुत जरूरी है तय होना कि सरकार हमारी मांग को मानती है या नहीं, उसके बाद नहीं तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। ये साफ तौर पर आज यहाँ पर पंडेर साहब ने भी कह दिया है, लेकिन किसानों के चेहरे और हाव भाव से लगता है कि कल जो भी बातचीत हुई है उससे किसान नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। रूपिका ओके मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। मानव यादव शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े थे और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे, क्या हकीकत है वो बता रहे थे। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश टिकैत साहब, सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहां चले गए, दिखा देंगे उन्हें भी, टाइम और दो, दिखाओगे कितना टाइम और लगेगा। 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर हाँ। शिफ्ट हो गया है पंजाब में, आप कह रहे हैं कि हम ग्रामीण बंद रखेंगे। हाँ, ग्रामीण भारत बंद। हाँ, तो ग्रामीण भारत बंद तो हुआ नहीं, दुकानें तो भी बंद करी ने, अपने खेत में नहीं गए हाँ। और पूरे देश में हुआ, उसे भी जरा दिखा दो कहाँ कहाँ दुकानें सब मार्केट बंद हुई और स्वैच्छिक करा किसने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से लोग भूलेंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात तो वहां पंजाब के किसानों से कर रही है, आपसे तो कोई बातचीत अभी हो ही नहीं रही है। और हमारे से होनी शुरू हो जाएगी, हम और वे भी तो किसान है, उनसे बातचीत हो रही वो भी ठीक है, किसान तो देश का एक ही है। नहीं तो राकेश जी, वहां पर बात ये आप कह रहे हैं किसान किसान एक ही है, तो आप उस बैनर तले उनकी मांगों के लिए आंदोलन करते हुए क्यों नहीं नजर आए? देश में किसान संयुक्त मोर्चा जब दिल्ली से गया तो संयुक्त मोर्चा एक था हाँ। अब उसमें से कुछ लोग अलग अलग जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे का आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था वो हमने किया, कल फिर एक मीटिंग सिसोली में रहेगी, उसमें कुछ चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर। राकेश जी, दो बार तो नहीं हो गई है ये, क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है? ना ना, कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा बाहर से उनके साथ में है, जो वहां पे लोग हैं उन्हें दिल्ली की कॉल दी है अभी, उन्हीं की भारत सरकार से बातचीत चल रही है, वही बात करें, उन्हीं की कमेटी पूरी बात करेगी,